Hello students, how are you all? Now it's time study to EVS. Yesterday we have to discuss lesson number 6, right? So today we are going to learn another topic. Let's start. Mesh. A mesh is a common place where food is served to the people of the armed forces. Soldiers and their families can eat in it. Festivals and functions are also celebrated in a mesh. Mesh मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर कॉमन प्लेस है, जहाँ पर जो आर्मी के जो लोग होते हैं या एयरफोर्स के लोग होते हैं उन्हें सबको एक साथ खाना खिलाया जाता है और उनकी फैमिलीज भी यहाँ खाना खा सकती है ना। ये एयरफोर्स है और ये जो आर्मी है उनकी फैमिली भी वहाँ पे खाना खा सकती है और बाकी के भी फंक्शन से वो भी एक साथ मिलकर मनाते हैं जहाँ मेस भी होती है। पेंट्री कार्स। इन सम ट्रेन्स फूड इज सर्व टू दी पैसेंजर्स फ्रॉम अ पेंट्री। इट इज सर्व्ड बाय एम्प्लॉयज टू पैसेंजर ऑन देयर सीट्स। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जब आप लॉन्ग डिस्टेंस में कहीं गए हो ट्रेन से तो हमें खाना मिलता है ट्रेन से, राइट। ट्रेन में कंपार्टमेंट बना हुआ होता है जिसमें खाना बनता भी है और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए हमें चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ नहीं होता है, उसमें चार्ज देना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। उसमें हमें सीट पर खाना मिल जाता है, उसे पेंट्री कार कहते हैं। मिड डे मील्स इन स्कूल्स। इन मोस्ट गवर्नमेंट स्कूल्स लंच इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में दोपहर का खाना होता है वो फ्री दिया जाता है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही होता है।